तो गाइस आज हमें काफी दिनों के बाद ब्लॉगिंग करने का मौका मिला है, तो इसलिए आज हम आए हैं रांची के और मांझी पार्क में। सोचा कि यहाँ एक्सप्लोर किया जाए और आपको भी कुछ दिखाएं। फाइनली गाइस अब हम जू के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो चलिए कुछ शेरों से मिला जाए। टाइगर तो देख लिए, अब बारी है लेपर्ड देखने की, तो चलिए हम लोग भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो लेपर्ड ने तो हमें वहां से भगा दिया, तो हम सोचे कुछ छोटे जानवर पास चलते हैं, जैसे ये जंगली बिल्ली। ये जंगली बिल्ली तो बहुत ही सुस्त है, उठने का नाम ही नहीं ले रही है। सो फाइनली जिसकी तलाश थी वो हमें मिल चुकी है, शेर खान। अब शेर खान को देखते हैं कहाँ सोया हुआ है। पहले पोस्टर में तो देख लें। पोस्टर में नहीं भाई, रियल लाइफ में देखेंगे। चल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। शेर खान तो सुस्त निकला, सोया हुआ है। देखते हैं ये कब जागेगा। तो काफी देर के बाद चलते चलते मेरे दोस्त को थकान महसूस हो रही है बहुत ज्यादा, सोचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो जब तक मेरा दोस्त आराम करता है, चलिए आपको हम छोटा सा पार्क दिखा देते हैं। एनिमल्स तो बहुत देख लिए हैं, सो अब बोटिंग करने की बारी है, तो चलिए चलते हैं। हम लोग बोट पे बैठ चुके हैं और मेरा दोस्त पैडल चला रहा है। चलाओ, मेहनत करवाता है ये मुझसे। बहुत ही मजा आ रहा है हमें यहाँ पे। हमें लगा बोट का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होगा, बट बोट का कॉस्ट कुछ ज्यादा ही रीजनेबल था। 80 रुपए में ये पूरा बोट मिल गया हमें। सब ड्राइविंग सीट चेंज हो चुकी है, मेरी जगह मेरा दोस्त चला रहा है। हाय दोस्त। देखिए मेरा दोस्त खतरों से खेल रहा है, बोर्ड को पूरा हिला रहा है। मैं से मना कर रहा हूँ कि मत हिलाओ। अरे गिर जाएंगे, मत हिला उसे। रुक जा मत भाई, मत हिला भाई। As you can see guys, मेरा दोस्त घटिया ड्राइवर निकला, पानी की जगह ये जमीन में चला रहा है, देख सकते हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा घटिया ड्राइवर है तुम। मेरा मनीष दोस्त पूरा थक चुका है, पैडल मार मार के अभी रेस्ट कर रहा है। बहुत धूप भी है यहाँ पे।
मेरा दोस्त देख सकते हैं गजब का बकलोला है, पत्थर पे चढ़ा दिया इधर नीचे में, अब बोट हिल ही नहीं रहा है यहाँ से, क्या बोले। पीछे ले पीछे ले। ओनर अभी डांटेगा फिर अभी हम लोग। देख सकते हैं मेरा दोस्त पूरा बोट को ढकेल रहा है। हो गया। और फाइनली बोट निकल गया, अब बुला भी रहा है ओनर इसका, चलते हैं। तो अब तो फाइनली हम लोग का बोट राइडिंग खत्म हो गया है। थैंक यू अंकल हम लोग को स्पेशली ज़्यादा टाइम देने के लिए, बोट क्लीन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते चलते अब हम लोग भालू पास पहुँच गए हैं, तो चलिए भालू से मिला जाए। तो फाइनली हम लोग जिससे मिलने के लिए बेताब थे वो हमें नजर आ गया है। तो गाइस दिखाने को तो और भी बहुत सारे जानवर हैं, बट अब हम सब थक चुके हैं, तो फिर कभी दिखाया जाएगा और सारे जानवर को। अभी के लिए गुड बाय। गुड बाय।